हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐप का रिव्यू लाया हूँ। वो ऐप आपके रमज़ान में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम घरों में पढ़ते हैं, इबादत कर रहे हैं, तो घर में किबला का रुख किधर है, कुरान के तर्जुमे को आप कैसे पढ़ें, अपने अजान के टाइम को कैसे सेट करें, अफ्तार कैसे करें, तस्बीह कैसे करें, ये सारी सेटिंग आप इस ऐप में किस तरह से करें, इस ऐप का नाम क्या है, ये सब मैं आपको इस ऐप के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देखें और इसकी सेटिंग को समझें, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करें, जिससे हमारी माएँ बहनें बहू बेटियां अहलिया सभी लोग इस ऐप का फ़ायदा उठा के घरों में इबादत करें। क्योंकि हम सभी लोग इस वक्त घरों में इबादत कर रहे हैं, तो इस ऐप के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग घरों में ही रह के इबादत करें, कहीं इधर उधर इबादत में मशगूल ना हो जाएं, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से आपका पूरा कुनबा, पूरा परिवार, पूरा देश खतरे में आ सकता है। तो आप सभी घरों पर रह के ही इबादत करें। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि हम सबके घरों में जो मोबाइल आने से बेहुरमती, लापरवाहियां, नमाज को लेकर, इबादत को लेकर हुई हैं, वो सब इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। हमारे घरों से जो बरकतें चली गई हैं वो फिर से वापस आ जाएंगी, हमारे घर इबादत से रोशन हो जाएंगे, और इस माह रमज़ान के महीने में जो इतनी भी हम इबादत करेंगे तो उसका 70 गुना सवाब हम सबको मिलेगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप अफ्तार कम करें, सहरी कम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बताया कि आप एक खजूर से या एक पानी के घूंट से ही आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दरवाज़े पे जो गरीब गुरबा आए, या आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जिनकी खुददारी उनको लोगों के दरवाज़े पे मांगने नहीं आने दे रही है, घरों में बैठे हुए हैं, कहीं वो खाली पानी से तो अफ्तार नहीं कर रहे हैं, बग़ैर सहरी के तो रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सलाहियत दे रखी है, हमारे दिल के अंदर सलाहियत दे रखी है कि हम हमारा दिल झंझोड़ता है कि ऐसे लोगों को हम बतौर गिफ्ट पहुँचाएँ, उनके ज़रूरत का सामान पहुँचाएँ। अब कहीं ये ना कहें कि हमारे पास ही कम है, तो आप कम, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर एक आदमी का घर में खाना है तो उसमें दो लोग खा सकते हैं, अगर दो लोगों का खाना है तो चार खा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके घर में सहरी का, अफ्तार का जो सामान है उसको आप खुद कम करके अपने गरीब गुरबा भाइयों बहनों में तकसीम करें, कहीं कोई सूखी रोटी से तो नहीं सहरी कर रहा है या खाली पानी से अफ्तार तो नहीं कर रहा है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी गरीब को अपने दरवाजे से झंझोर के वापस ना करिए। आप एक खजूर ही अगर किसी को दे देंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला जन्नत में बागात लगा देगा। इस कठिन दौर, इस इम्तिहान के दौर में, ये हम सभी का इम्तिहान है। हम जो साहिब माल हैं, अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि दो वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं, हम उन सभी का इम्तिहान है कि हम कैसे अपने भाइयों को इस रोज़े में, अफ्तार में, सहरी में हम उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनको अच्छा अच्छा खाना जो हम खा रहे हैं उनको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो तुमको अपने लिए पसंद हो वो अपने भाइयों को दो, अपने पड़ोसियों को दो, अपने जानने वालों को दो, भले वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके को मानने वाले हो। तो भाइयों, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी सादे पानी से अफ्तार ना करे, खाली सहरी ना खाए,
मेरी आपसे अपील है कि अपना अफ्तार सहरी का सामान कम करके आप गरीब गुरबान बांटिए। आपके दरवाजे पे जो आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देने की कोशिश कीजिए। उससे भी ये बताइए कि आप हमारे यहाँ से ले गए हैं तो दूसरे घर से ना लीजिएगा कि दूसरे घर से कोई दूसरा भाई आके ले जाए। इस बात का भी ख्याल रखिए कि भी दिल ही तो है इंसान का कि सोचता है यहाँ से मिल जाए तो वहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, तो इससे जो हकदार हैं उनका भी हक जा सकता है। तो आप जब किसी को दें तो उनको ये समझा दें कि आपको हमारे यहाँ से मिल गया, आप किसी दूसरे के लिए दूसरा घर छोड़ दीजिए, आप इसी से अपना काम चलाइए। और एक बात कि आप फोटो ना खींचिए किसी गरीब की मदद करते हुए, वीडियो ना बनाइए किसी गरीब की मदद करते, क्योंकि उसकी खुददारी को ठेस पहुंचेगी। और अल्लाह के रसूल ने और कुरान में ये कहा गया है कि आपका कोई भी आमाल चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, राई के दाने के बराबर भी होगा तो रोज़े आखिरत के दिन वो अल्लाह ताला के सामने आ जाएगा, भले वो एक चट्टान एक पहाड़ के बीच में ही क्यों ना दबा हुआ। तो इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, हम सब की आजमाइश को कम करे, हम सब को इस आजमाइश से उबारे, हम सब को इस शैतानियत से दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों अभी इस ऐप को गूगल प्ले में खोलते हैं। जैसे गूगल प्ले हम खोलेंगे तो उसमें हम मुस्लिम प्रो डालेंगे तो इस तरह से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से अपने ऐप में डाउनलोड कर रखा, मैं इसको 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पेज में इस तरह से दिखाएगा, बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके तर्जुमा वगैरह इस तरह से पेज खुल के आता है। अब देखिए इसमें रमज़ान 2 दिखा रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं हिजरी कैलेंडर की सेटिंग से वहाँ पर दिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे आपको सेटिंग में दिखाई देगा। अभी होम स्क्रीन पर देखिए इसमें दिन के कोड्स आते हैं, व्यू आते हैं, इंस्पिरेशन आती है, कम्युनिटी में जाके आप दुआ कर सकते हैं, अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। अब हम इसकी डेट की सेटिंग में चलते हैं। पहले ये हिजरी कैलेंडर आया तो 0 कर रखा है, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिससे आपकी हिजरी कैलेंडर की डेट सही हो जाएगी। अब इसमें हम कुरान के रिसाइटेशन पर जाते हैं, तर्जुमे के सेटिंग पर जाते हैं तो अरबी में है, उर्दू में है, और तो उसमें आप एशिया पहले उसमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन का पेज खुल के आएगा देखिए तो उसमें एशिया ट्रांसलेशन जाएंगे, और फिर पेज को जब नीचे स्क्रॉल करते हैं हम तो देखिए दुनिया की तमाम ज़बानों में ये ऐप दिया हुआ है। अब इसमें सबसे नीचे बीच में दीवार देखिए हिंदी, अब हिंदी में 2 तरीके के इसमें तर्जुमे हैं, तो इसमें फारूक खान एंड नदवी साहब वाला है, तो चूँकि नदवा लखनऊ में है तो इसलिए मुझे ज़्यादा यकीन है कि ये ज़्यादा तर्जुमा ऑथेंटिकेटेड होगा, और मैंने कई लोगों से इसको चेक भी कराया है तो तर्जुमा इसका लगभग सही है। बाकी दुनिया की तमाम ज़बानों में देखिए इसमें तर्जुमे दिए हैं जो अलग अलग आलिमों ने, स्पेशलिस्ट लोगों ने इस को अलग ज़बानों में तर्जुमे को मुकम्मल किया है। अब इसकी नेक्स्ट सेटिंग में हम लोग जाते हैं ऑडियो के, इसमें अगर आप ना पढ़ना चाहें तो ऑडियो रिसाइटेशन में जाएंगे तो इसमें अरबी उर्दू अलग अलग ज़बानों में आपको कुरान का तर्जुमा ऑडियो में वॉइस में आपको सुनने को भी मिलेगा, ये उसकी सेटिंग है। इसमें आप सभी लोग इसको वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें अभी आएगा कि हम किबला कैसे सेट करें, दुआ कैसे सेट करें, तस्बीह कैसे सेट करें। अब नेक्स्ट सेटिंग है इसकी ट्रांसलेशन की, तो इसमें आप जो दुआ का ट्रांसलेशन है उसको भी अलग अलग ज़बानों में कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश में लगा रखा है कि दुआ जो इसमें दुआ दी है उसको किस में ट्रांसलेट करें। फिर नेक्स्ट सेटिंग है इसकी लैंग्वेज की, तो कुरान का ट्रांसलेशन आप किस ज़बान में करना चाहते हैं तो ये भी उसमें ऑप्शन आता है। फिर ये लास्ट में आप इसको कैसे अपने दोस्तों में इस ऐप को शेयर करें, फ्रेंड्स में कैसे भेजें, ट्विटर में कैसे जाएं, मुस्लिम प्रो की वेबसाइट पे कैसे जाएं। फिर इसकी होम स्क्रीन पर वापस आते हैं। अब ये इस तरह से इसमें आइकॉन देखते हैं अलग अलग, कुरान का है, दुआ का है,
इसमें ज़कात का कैलेंडर भी है, ये देखिए ढेर सारी दुआएं हैं, लगभग 132 दुआएं इसमें हैं, अलग अलग मौजू पे, अलग अलग टॉपिक पे जो दुआएं हैं। हम लोग सर्च करते हैं इधर उधर कि मुश्किल के दौर में कैसे दुआ पढ़ें, और खुशहाली के लिए बरकत के लिए दुआ कौन सी करें, सफ़र में हो किस तरह की दुआ करें, सुबह क्या पढ़ें, शाम को उठते ही क्या पढ़ें, रात में क्या पढ़ें, क्या पढ़ के सोएं, ये सारी दुआएं हैं। मैंने तो बहुत सी दुआएं जो मुझको नहीं आती थी इसी ऐप से सीखी हैं सब, तो लगभग सारे टॉपिक्स पे इसमें दुआएं दी हुई हैं, और सब का हवाला कहीं ना कहीं कुरान और हदीस से इसमें है। कोई अलग से दुआ ऐसी नहीं है कि जो अपने आप से इसमें क्रिएट की गई हो, सब कुरान और हदीस के हवाले से ही इसमें दी गई हैं दुआएं। तो इसको, इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा सभी में शेयर करिए कि इस रमज़ान के महीने में इसका फ़ायदा ले सकें। अब नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं, जब तो इसमें देखिए दिखा रहा है सारे आइकन। अब हदीस में हम दुआ में गए, तो जैसे मैंने दुआ चेक कर रखी तो दुआ आप सेव भी कर रहे, जैसे 132 दुआएं हैं, दुआओं के अंदर भी ढेर सारी दुआएं हैं, तो आप जो दुआ आपको याद करनी हो या पसंद हो तो उसको माई दुआ के ऑप्शन में जाके इसको क्या कर सकते हैं, आप सेट भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर दुआ खोलना चाहें आप में अपनी माई सेटिंग में जाके और उससे उस दुआ को निकाल लेंगे। फिर हम वापस होम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट सेटिंग आपको दिखाते हैं कि डेली इंस्पिरेशन कोड्स आते हैं इसमें, तो उसमें तरह तरह के वॉलपेपर टाइप से होते हैं जो आप दूसरों में शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आज के लिए इसमें कोरोना से बचने की दुआ क्या है, कैसे कोरोना से बचें, कुरान और हदीस के हवाले से इसमें दिए हुए हैं कि कोरोना की दुआ बचने की दुआ है, कैसे हम घर पर रह के इबादत करें, एक दूसरे को इन्फेक्ट होने से बचाएँ, कैसे मदद करें लोगों की, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंस्पिरेशन कोड के ज़रिए दी जाती है जो आप अपने दोस्त अहबाब अहल वयाल मिलने वालों में शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी सेटिंग आती है, ये सारे इंस्पिरेशन कोड देखिए सारे दिए हुए हैं, सब इसमें बताया गया। जब आप इसको चलाएंगे ऐप को, पूरी सेटिंग सीख जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी राय यही है कि आप सभी को ये ऐप बांटिएगा। ये इस तरह से हम इसकी डेट को सेट कर सकते हैं कि कितनी डेट है हिजरी कैलेंडर की और प्रेजेंट टाइम की डेट कौन सी है। अब प्रेयर हम दूसरों से दुआ भी कर सकते हैं, जैसे अगर अभी हम लोग घरों में बंद हैं तो एक महफिल की दुआ कैसे हो, तो इसमें जितने भी ये ऐप इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वो सब मिलके इसमें दुआ कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजिए कि भाई हमको फलां हाजत है, सब लोग हमारे लिए मिलके दुआ करिए, तो देखिएगा कितने लोग इसमें दुआएँ आपके लिए करने लगते हैं एक साथ। जैसे व्हाट्सअप फेसबुक पर हम लोग रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो उसमें लाइक और कमेंट आते हैं, इस तरह से आपको इसमें लोग दुआ करेंगे आपके लिए, आपको दिखाई देगा कि कितने हज़ारों लोग आपकी दुआ में शामिल हैं या आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसलिए ऐप बहुत अच्छा है, और ये अल्लाह जो है जो ग्रुप में दुआ मांगी जाती है, जो मिल के सभी लोग दुआ मांगते हैं, जल्दी पूरी होती है। तो अल्लाह ताला हम सब की इस मुश्किलात को, इस शैतानियत को दूर करें, हम सबको अच्छा अच्छा गैब से हम लोगों का मदद करें। फिर नेक्स्ट हम सेटिंग में हम लोग इसमें जाएंगे, हम इसकी किबला की सेटिंग पे कि इसका किबला कैसे सेट करें। उसमें हम घरों में चूँकि पढ़ रहे हैं तो पता नहीं है कि किधर किबला है, शुभा रहता है कि इस कमरे में किधर सजदा करना है, उस कमरे में सजदा करना है, और इसमें ट्रैकर भी है कि आपने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है, फजर की नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बाकायदा नोटिफिकेशन आता है कि आज आपने रोज़ा रखा है कि नहीं, तो उस पर आप टिक करते जाएंगे तो लास्ट में उसमें रिवार्ड का ऑप्शन आता है। जैसे ये अभी अब दिखाएगा कि आपने रोज़ा रखा है, देखिए हमारे में आ गया कि आज यू फास्टिंग टुडे, और नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ऐसा आपको नो करना है। इसमें अल्लाह के भी 99 नेम्स भी रहते हैं विद तर्जुमे के, कि अल्लाह के 99 नाम क्या हैं, उनका तर्जुमा क्या है, ये देखिए आ गए हैं इसके, और सारे नामों का बाकायदा इसमें डिटेल में बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, मेरा हम 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप मौका मिला कि हम सबके साथ शेयर करें। और इसमें ये ज़कात कैलेंडर भी दिया हुआ कि हम अपनी इनकम के हिसाब से किस तरह से ज़कात को सेट कर सकें कि हमको कितनी ज़कात निकालनी है। फिर किबला सेट करने के लिए इसमें नमाज, ये देखिए नमाज का है कि आप अपने एरिया के हिसाब से टाइमिंग को एक बार सेट कर लीजिए, फिर आपके यहाँ अजान होगी, मोबाइल में अपने आप अजान होने लगेगी, जैसे फजर का टाइम तो फजर की अजान होगी, असर का टाइम होगा असर की नमाज होगी। फिर इसमें कुरान के ऑप्शन में जब जाएंगे तो उसमें देखिए 114 सूरे हैं, उनकी तर्जुमा जिस ज़बान में आपने सेट कर रखा होगा, देखिए जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश में सेट कर रखा है तो हिंदी इंग्लिश अरबी तीनों में सारा तर्जुमा आता है, ऊपर अरबी में है, फिर उसी को इंग्लिश में है, फिर उसी का हिंदी में है, तो कुरान को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो 114 सूरे का
इसमें आप तर्जुमा है, आप तरावी जैसे नहीं जा पा रहे हैं घरों पर तरावी रहे, तो तर्जुमे से आप कुरान को क्या करिए, समझिए, सीखिए, उतनी देर में तरावी पढ़ लीजिए 20 रकात, और फिर उसके बाद आप तर्जुमा लेके बैठ जाइए, तो इंशाल्लाह 30 दिनों में आप कुरान का तर्जुमा ही घर पे क्या कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में, जिस जमान में आप चाहें। ये किबला सेट करने के लिए आपको लोकेशन आपकी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने परमिशन ऐप के परमिशन ब्लॉक कर रखे हैं, तो इस वजह से ऐप में जाके इसमें आप ऐप को आप खोल लेंगे सेटिंग में जाके, भी आगे दिखाएगा, जैसे ये नहीं खुल पा रहा है ऐप का, तो ऐप की सेटिंग में जाके आप क्या करेंगे, परमिशन में जाएंगे और परमिशन में जाके आप ऐप को लोकेशन ऑन कर देंगे, तो इसकी जो कंपास है वो काम करने लगेगी। देखिए अभी दिखाएगा, मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बार बार डिनाई कर रहा है, तो ऐप की सेटिंग का ऑप्शन आ गया। जब ऐप की सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो ऐप परमिशन में आप चले जाइएगा, जैसे ही आप ऐप परमिशन पर जाएंगे तो आपको लोकेशन ऑन कर देनी है, जैसे लोकेशन ऑन करेंगे और आपका कंपास काम करने लगेगा, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा, आप जिस कमरे में नमाज़ पढ़ना चाहें तो वहाँ पर इस अपने मोबाइल को, अपना मोबाइल का मुंह अपनी तरफ रखेंगे तो अपने आप किबले का रुख सुई बताने लगेगी। ये इस तरह से देखिए, सुई पे किबला बना हुआ है, काबा शरीफ बना हुआ है, तो उस तरह पर देखो, ऊपर वर्ल्ड मैप में देखिए इंडिया से काबे की तरफ एरो बना हुआ है। अब काबे को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कंपास की सुई को सेट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए ढेर सारे। अब इसके बाद इसमें आगे आएगा एक तस्बीह का ऑप्शन, कि हम तस्बीह घर पे पढ़ रहे हैं, जैसे माना तस्बीह हैं सभी लोग पढ़ रहे हैं, मोबाइल हाथ में अमूमन रहता है, तो आप तस्बीह के ऑप्शन पे ऐसे आकान पे जाइए, तस्बीह को क्लिक करिए, यह तस्बीह खुल के आ जाएगी, तो इसमें तरह तरह के दाने भी देखे दिए हुए हैं, और जब दानों को आप स्लाइड करेंगे तो कट से आवाज़ भी आती है, जैसे ओरिजिनल आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, लग रहा है ओरिजिनल तस्बीह हम पढ़ रहे हैं, और ऊपर काउंटिंग भी दी रहती है कि आपने कितने दाने पढ़ लिए हैं, इस तस्बीह में जो से कलमात हों, जो सा कलाम आप पढ़ रहे हैं वो सब उसमें काउंट होता जाता है। तो मेरी राय है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ इस ऐप को शेयर करेंगे। देखिए मक्का को मैंने क्लिक करा तो मक्का लाइव टीवी चलने लगता है, उसमें मक्का के हालात हैं, काबा शरीफ है उसका दिखाने लगता है, ये सारी उसमें दुआएँ भी रहती हैं, सना भी रहती है, दुरूद भी रहती है, तो इसमें बहुत अच्छा है, ये कलमा भी दिया हुआ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को भी, जिससे वो समझ सके। आपके यहाँ इसमें आपके आस पड़ोस की मस्जिद कितनी, जिससे आप कभी बाहर कहीं फंस जाएं शहर में और मस्जिद नहीं पता तो मस्जिद का भी पता लग जाएगा। आजकल तो घरों में ही रहिए आप नमाज़ पढ़ी, जब ये ऐप बाद में भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसमें मस्जिदों का भी लोकेशन दिया जाएगा। हलाल पैलेस भी दिखाता है कि आप कहीं जा रहे हैं तो, अभी तो सारे होटल बंद हैं, इसमें दिखा नहीं रहा है, उन्हें इसमें दिखाते हैं कि कौन कौन से होटल मुस्लिम होटल हैं, कहाँ पर हैं।